सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ टीवी देख रहे सारे स्रोते जी आया नू। बसपा वालों का पै गया किसाना पेचा लगाए मुर्दाबाद के नारे। ताज़ा वड्डी खबर खबर शुरू करने तो पहला जिन्होंने चैनल में सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लैन तो वीडियो में वो तो वह लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है लिंक डिस्क्रिप्शन से उत्तर जाकर तुम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। लुधियाना फगवाड़ा सड़क से लाडोवाल टोल प्लाजा तो उस समय जीबोगरीब स्थिति बन गई जो किसान आगुआ ने जाम लगा के आवाजाही बंद कर दी। सिट्टे वजो फगवाड़ा विखे बहुजन समाज पार्टी वालों की जा रही अलख जगाऊ रैली में जा रही बी एस पी वर्कर दड्डा रुक गई जिस दे सिट्टे वजो दोवें धिर एक दूजे प्रति नाराजगी देखी गई। बहुजन समाज पार्टी के वर्कर किसान मुर्दाबाद के नारे लिया भी देखे गए। एक किसान आगू का कहना है कि उन्होंने सवेरे 8 बजे संयुक्त किसान मोर्चे वालों 12 से 2 बजे तक जाम लाने की कॉल आई सी। अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी वालों सवेर तो गड्डियां लंघ रही सन। उन्होंने 12 बजे तो पहला कोई गड्डी नहीं रुकी। इस आगू का कहना है कि जेकर 3 खेती कानून रद्द नहीं होंगे तो किसान फिर भी बच जाएगा पर मजदूर नहीं बचेगा। दूजे पासे बी एस पी आगू के दसन के मुताबिक उन्होंने लाडोवाल टोल प्लाजा से किसानों वालों रोके गए फगवाड़ा विखे हो रही रैली में उन्होंने लगभग 100 गड्डियां जा रही सन। इस आगू का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी वालों पहले दिन दिल्ली किसान धरने किसान का साथ देंदे रहे ने। हो सकता है हुण भी वह रैली तो बाद किसान नाल डट जाते पर कांग्रेस की शह से उन्होंने अलख जगाऊ रैली भी शामिल होने से रोकया गया है। इतने दसना बनता है कि पुलिस के दखल देने कारण दोवें धिर टकरा होने तो टल गया। हूँ तक किसान मजदूर एकदम के नाम से ही यही किसानी संघर्ष चल रहा है। इस लगभग 9 महीने हो चुके हैं। किसान मजदूर भी दूरियां वधन कारण इस संघर्ष में जरूर नुकसान होगा जो सीधा असर लाभ जो केंद्र सरकार होगा। खबर ला सक देख लिये थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद।